पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम के बारे में। तो आप सबको बता दें कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी से जो कुछ अपडेट्स प्राप्त हुई है पीईटी को लेकर के उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो कि आप लोग हमेशा कमेंट करके पूछते हैं कि पीईटी एग्जाम की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ेंगे और कितने मंथ का पढ़ेंगे, ये सारी बातें आप लोग पूछते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको एक मैगजीन, बस और बस एक पतली सी मैगजीन आपको बताने वाली हूँ। एक ही बुक आप लेंगे और उससे आपका पूरा पूरा करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी जो भी बुक्स वगैरह का नाम है वो बताऊंगी, और साथ में आपको जो भी अपडेट प्राप्त हुई है कि वो, और अपडेट वो है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि क्या अपडेट है। अपडेट है कि जो एग्ज़ाम है आपका पीईटी एग्ज़ाम, उसके जस्ट बाद जो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा वो कौन से मंथ में होगा और किस किस पोस्ट के लिए होगा, तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग जो भी है उस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कहूँगी कि अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म डाला हुआ है, तो आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुके हैं चैनल पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आज के टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग पीटी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस की बात करें, आप लोगों को मैंने पहले ही कहा था कि मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी इसका सिलेबस अवेलेबल करा दूंगी। मैंने पोल भी कराया था भले ही, लेकिन कुछ बहुत ही कम परसेंटेज है वहाँ पे, बहुत कम लोगों ने बोला कि उनको इंग्लिश में सिलेबस चाहिए। हिंदी में तो आयोग ने खुद ही दे रखा है, और हिंदी में तो ऑलरेडी सबके पास पीडीएफ होगा ही, लेकिन इंग्लिश में भी बहुत सारे अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। भले एक ही अभ्यर्थी को इसकी ज़रूरत हो, लेकिन मेरे लिए एक ही अभ्यर्थी अगर है वो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इंग्लिश में भी जो है पीडीएफ तैयार कर दिया है, अभी आप वो सब कुछ देखेंगे आगे, और मैं आपको टेलीग्राम पे आज ही अपलोड कर दे रही हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको बता दें कि जो करंट अफेयर्स की मैं बुक की बात कर रही थी, जो अपडेट है उससे पहले आप लोग तैयारी का जान लीजिए, क्योंकि जब आप पीटी में अच्छा स्कोर करेंगे, पीटी क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ही मेंस देंगे। तो पीटी क्वालिफाई करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, जो करंट अफेयर्स की बुक है, वो आप लोग यहाँ पर जान लीजिए, जो मार्केट में आ चुकी है, और आप जाकर के आज ही ले आइए, नहीं तो जाके कल ले आइए, कल ही आई है मार्केट में ये बुक। उससे पहले हम लोग एक नज़र सिलेबस पर डाल लेते हैं दोनों ही लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी में, ताकि हम लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि कितने नंबर का जो है आपका करंट अफेयर्स आएगा और बाकी के सब्जेक्ट्स कितने मार्क्स के होंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले जो सिलेबस है उसको अच्छे से, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में। सबसे पहले तो हम इंग्लिश वाला सिलेबस देखेंगे पीटी 2021 का, पेट का। मैंने आप सबको कहा था कि मैं इंग्लिश में आपको अवेलेबल करा दूंगी, तो देखिए ये इंग्लिश वाला सिलेबस तैयार है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेम वैसा ही है जिस तरह से हिंदी वाला जो पीडीएफ दिया है आयोग ने, सेम उसी तरह का उसका ये इंग्लिश ट्रांसलेशन समझ लीजिए उस तरह से है। तो जो भी अभ्यर्थी इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप यहाँ देख सकते हैं सारा सब्जेक्ट वाइज और जैसे जैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है सेम उसी तरह बना हुआ है, बस कह सकते हैं कि ये इंग्लिश में है। आप यहाँ पे देखिए इंडियन हिस्ट्री से यहाँ पे 5 क्वेश्चन आएंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपके 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन से 5 क्वेश्चन, जनरल साइंस से, फिर आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 5 क्वेश्चन है, जनरल हिंदी से 5, जिस तरह से हिंदी में है सेम उसी तरह इसको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। जनरल इंग्लिश में 5 क्वेश्चन, फिर रीजनिंग के आप देख सकते हैं 5, सेम उसी तरह। अब जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे करंट अफेयर्स की, तो आपको मैंने पहले ही कहा था कि करंट अफेयर्स की यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ और सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से। तो इसलिए करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से करंट अफेयर्स के मैगजीन से पढ़ाई करनी है, जिससे कि आप पूरा पूरा 10 में 10 क्वेश्चन कर पाए। और अगला जो यहाँ पर सेक्शन है वो देख रहे हैं आप जनरल अवेयरनेस का, जिसमें कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे इंडियाज़ नेबर्ड कंट्रीज़ कैपिटल एंड करेंसीज, इंडिया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़, इंडियन पार्लियामेंट डेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बुक्स, ये सबसे बाकी से क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ भी 10 में से जो आपके हैं दो चार क्वेश्चंस जो है करंट के वो आ ही जाएंगे। तो आप क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट, ये सब में करंट के ही क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सब जो मैगजीन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी उसी से आ जाएंगे। तो आपने देख लिया ये इंग्लिश वाला सिलेबस, आप इसको जो है मेरे टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहाँ पर अपलोड कर दे रही हूँ इस पीडीएफ को, जो भी अभ्यर्थी इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं। अब चलिए हम लोग एक बार हिंदी वाले को देख करके फिर उस पर जो है डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं, ये तो आयोग
आपका ऑफिशियल नहीं है, आप सबने ये देख ही लिया होगा, लेकिन इसको भी मैं एक बार फिर से अपलोड कर दूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए। यहाँ पर ये सबसे अच्छी बात है पीईटी के सिलेबस में कि इन्होंने पूरा पूरा जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर दिया है, ताकि आसानी हो समझने में और करने में। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ भी वही बात है, जो इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चंस, फिर आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन। तो ये सब के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बुक लिस्ट बता दिया है कि कौन से बुक से आपको तैयारी करनी है, उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जाके आप जरूर देखिए और मैं वहाँ पर जो बुक बताई हूँ उसी बुक से आप तैयारी कीजिएगा। और यहाँ पर फिर आप ये देख लीजिए जो मैं अभी यहाँ पर बताने वाली हूँ करेंट अफेयर्स के लिए, तो आप ये देख लीजिए 11 नंबर पे 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे भारतीय एवं वैश्विक करंट अफेयर्स, 10 नंबर के सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स, और सामान्य जागरूकता जो जनरल अवेयरनेस है वहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका ये बाकी जो भी सेक्शन है, बाकी जितने भी क्वेश्चन जिस भी सेक्शन से आएंगे सबके लिए मैं आपको बुक लिस्ट बता चुकी हूँ, इंग्लिश से लेकर के जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे सबके लिए। तो दोस्तों आप इसी के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए, और आप आगे देख ही रहे हैं किस तरह से है जो बुक वगैरह है वो मैं आपको यहाँ पर बता ही रही हूँ। और आपको बता दें कि आप ये सारे पीडीएफ जाके मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा पूरा पूरा सिलेबस, तो सिलेबस देखने के बाद आपको आइडिया लग गया है जो 50 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज के होंगे उसमें से जो है 20 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कि 10 क्वेश्चन जो आपने देखा करंट अफेयर्स के तो हैं ही, और साथ में आपका 10 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस का आने वाला है वहाँ भी करंट के वेटेज अच्छे खासे होंगे। अगर 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के हैं सामान्य जागरूकता के, तो 5 क्वेश्चन आपके करंट के भी उसमें होंगे, यूपी से पूछ ले या फिर जहाँ से भी पूछ ले तो करंट के होने वाले हैं। तो आपको जो है करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, 50 में से 20 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। और आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अच्छे पोस्ट के लिए जो आपका पीटी का जो स्कोर है वो आपका 80 से ऊपर ही चाहिए होगा, आपका टारगेट 80 से ऊपर का होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए बस और बस एक मैगजीन, ये आप सामने ये वाला मैगजीन देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस मैगजीन से आपको पढ़ना है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ घटनासार की ये बुक आई है, जो कि ऐसे ही घटनासार घटना चक्र की जो बुक होती है वो उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए आप सब जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाली जो बुक है एकदम रिलायबल है, एक भी गलती की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मैं बुक ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। आप सबको बता दें कल ये बुक मार्केट में आई है, जल्द ही ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा, अगर नहीं तो आपके घर के आसपास कोई भी बुक स्टॉल है आप उन लोग वहाँ जाके ये बुक ले सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो है 96 रुपीज़। और आपको बता दें क्योंकि मैंने अभी वो जाके मार्केट से लिया नहीं है, हार्ड कॉपी मेरे पास अभी आई नहीं, ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है, और हमारे यहाँ के बगल के मार्केट में ये बुक अभी तक नहीं आई है, बट मेरे पास अपडेट आ गई कि ये बुक आ चुकी है, ताकि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकूँ। तो आपको बता दूँ कि मेरे पास जो पुरानी वाली बुक है जो इससे पहले ये जो है आपका ये पूरा 6 मंथ का कंपाइलेशन है, इसमें जो है आप ये देख सकते हैं इस वाले पेज पे, इस वाले बुक में जनवरी से लेकर के 5 जुलाई तक का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, है ना, जनवरी से 5 जुलाई, और आपका एग्जाम है 20 अगस्त को, तो 5 जुलाई तक का आपका करंट अफेयर्स यहाँ से कवर हो जाएगा। तो आपको बस जनवरी से लेकर जुलाई तक का ही करंट अफेयर्स कवर करना है, उतना अगर आपने कर लिया तो आपके बहुत अच्छे स्कोर हो जाएंगे करंट अफेयर्स में। और ये जो बुक है इसमें पूरा 6 मंथ का आपको मिल जाएगा, और ये मेरे पास जो पुरानी वाली बुक है इस तरह की इतनी पतली सी बुक होती है, आप ये देख सकते हैं बुक का साइज आपको देखना जरूरी है, ये पुरानी वाली है, इसमें जो है सेप्टेम्बर 2020 से लेकर के 5 मार्च तक का ये कंपाइलेशन था, जो कि मैंने पिछली बार जो बुक आई थी मार्केट में तो मैं ली थी, ये वाली बुक है, आप ये ऐसे ही मिलेगी आपको इतनी छोटी सी और इतनी पतली सी। इसका जो प्राइस यहाँ 96 लिखा है, जो कि आपको 80-85 रुपये तक बुक स्टॉल पर मिल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन लेंगे तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन ही ली थी तो मुझे 120 का पड़ गया था डिलीवरी चार्ज वगैरह लेकर के, लेकिन आप जाकर के बुक स्टॉल से ले लीजिए, और इस बुक से आप आंख मूंद करके इसी बुक से पढ़िए घटनासार की ये बुक, इस तरह से आपका पूरा वन लाइनर जितने भी करंट अफेयर्स है वो तैयार हो जाएंगे, स्पेशली जो भी यूपी के करंट अफेयर्स होंगे वो भी यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग आंख मूंद करके कारपेट के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी इस वाले बुक से कर सकते हैं। और अब हम लोग बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की, तो बात हो गई, सिलेबस भी आपने देख लिया, और आपको बता दें सिलेबस जो है आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो कि अपडेट प्राप्त हुई है यूपी ट्रिपल एससी से, वो ये है कि आपका एग्जाम 20 अगस्त को होगा और सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा, और पहला मेंस एग्जाम आपका अक्टूबर में होगा, और जो अक्टूबर में मेंस एग्जाम होगा उसमें कंबाइंड एग्जाम होंगे आपके 3-4 पोस्ट के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जैसे कि लेखपाल, BDO, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो।
आप सब में से बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो मेरे से पूछते हैं कि क्या जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी, स्टेनो की वैकेंसी आएगी, ये सारे। तो देखिए ये सारे जो चार मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं, ये चारों के कंबाइंड एग्जाम होंगे। और वो ये मेंस एग्जाम आपका अक्टूबर में होगा, नवंबर में रिजल्ट निकाल के डीवी करा के दिसंबर तक ज्वाइनिंग दे दी जाएगी क्योंकि इलेक्शन ईयर है। तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एस से फिलहाल ये अपडेट प्राप्त हुई थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया और यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला आप वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो भी अपडेट थी वो उससे अवगत कराया, वो अपडेट दिया, और बाकी जो भी करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट बुक वो मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो को मैं अब यहीं खत्म करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।